हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सी डी या डी वी डी हो उसे राइटेबल किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, सॉफ्टवेयर हो या कोई अदर फाइल हो जिसे आप राइट कर सी डी में अच्छी तरह सुरक्षित रख सकते हैं, या कोई सी डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन हो जो आपको सबमिट करने के लिए हो, तो उसे किस प्रकार से अपना सी डी ड्राइव में आसानी से राइटेबल कर किसी दूसरे जगह प्रेजेंटेशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो आजकल के डेट में सीडी ड्राइव का यूज बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिलहाल इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम है। अदर जैसे आप पेन ड्राइव लेते हो या जीबी लेते हो, उससे अलावा ये सीडी या डीवीडी का प्राइस काफ़ी कम है। 10 रुपये से 15 रुपये में आपका ये आपका सीडी 10 रुपये मिल जाता है और डीवीडी का प्राइस 15 रुपये आपको पड़ता है। सीडी में आपको 1 GB का स्पेस मिलता है, जिसमें आपको 702 MB का स्पेस मिलता है, जो मैंने अभी देखिए यहाँ पर इंसर्ट की लगाया हुआ सीडी डीवीडी राइटर, जिसमें मैंने सीडी ड्राइव लगाया, जिसमें देखिए मेरे को 1 GB में 702 MB मिला है और डीवीडी में आपको 4 GB में 3 पॉइंट कुछ GB आपको मिलेगा। तो चलिए इसी को मैं अभी देखिए ये पूरा ब्लैंक है, अभी खाली है, कोई डिस्क नहीं है, तो इसको मैं राइटेबल करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैं पहले से ही सीडी ड्राइव इसमें इंसर्ट के लिए देखिए मैं इसे अपने कंप्यूटर से सीडी ड्राइव को जब रिमूव करता हूँ तो इस प्रकार से ये हो जाता है। चलिए मैं इसे इंसर्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं आप लोग को कोई भी हो, इमेज हो, सॉफ्टवेयर हो या अदर कोई फाइल हो, उसे आप किस प्रकार से राइटेबल कर सकते हैं बिल्कुल इजी। तो चलिए मैं इसको राइटेबल करके आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से और कौन से सॉफ्टवेयर। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर के जरिए आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं नीरो सॉफ्टवेयर के जरिए आपको राइटेबल करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले देखिए मैंने अपना नीरो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप गूगल में सर्च जाकर नीरो का कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसका लो वर्जन 8 इंस्टॉल किया है। देखिए इसमें ये सारे फंक्शन आपको उसमें भी मिला, सेम इसमें भी मिलेगा। तो चलिए मैं अपना सीडी को कर रहा हूँ तो इसमें जाना पड़ेगा, आपको डीवीडी में जाना होगा तो इसमें आपको मेक और डाटा डीवीडी करना होगा। तो चलिए फिलहाल मैं सीडी ड्राइव को कर रहा हूँ तो मैं सीडी ड्राइव में क्लिक करूँगा सिंपल सा। देखिए इस प्रकार से आपका ये आ गया। तो यहाँ से आपको देखिए किस में आपको जाना है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ऐड है और डिलीट है, तो आपको यहाँ से ऐड पहले फिलहाल कर लेना है, जो भी फाइल फोल्डर आपको करना है। तो फिलहाल मैं सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ, कॉपी करके इसमें वर्न करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसमें अपना जो भी सॉफ्टवेयर है मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। चलिए ऐड कर लिया। अगला मैं ऐड और कर लेता हूँ। चलिए ये भी ऐड कर लिया। उसके बाद और मैं ऐड कर लेता हूँ। जो आप ऐड करते जाएगा तो यहाँ पर जो देखिए 100 MB फिलहाल मैंने अभी ऐड कर चुका हूँ डाटा को इसके अंदर। और चलिए देखिए और ऐड हो चुका। चलिए और मैं ऐड कर लूँ, 200 MB के तकरीबन जाने वाली है, और ऐड कर लिया ये। और देखिए 200 से 250 के बीच आपका ये आ चुका है। चलिए मैं काफ़ी छोटा छोटा फाइल को अभी इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए सॉफ्टवेयर उसी को मैं करने वाला हूँ। देखिए काफ़ी ज़्यादा हो चुका। तो इसको आपको किस प्रकार से आपका ज़्यादा डाटा अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो तो किस प्रकार से आपको डिलीट करना हो, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करिए आपका कौन सा। मैंने इसमें जो डाटा डाटा था उसको कर लिया है। तो चलिए मैंने फिलहाल इसमें ए वाला ज़्यादा डाटा है, तो इसको मैं यहाँ से आप डिलीट सिंपल सा कर दीजिए, आपको दोबारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डिलीट हो चुका है। आप जो इसमें कम डाटा है उसको फिर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 100 100 MB मैक्सिमम आपका है, इससे आगे आप इसमें राइटेबल नहीं करते। अगर आपका डीवीडी राइटर होगा तो उसमें आप कर सकते हैं,
जितना कैपेसिटी है उस प्रकार से। तो चलिए और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए 300 के बीच हो गया। और चलिए छः सौ एमबी के तकरीबन मेरा हो चुका है, तो चलिए मैं इसे फिलहाल कैंसिल कर लेता हूँ। अब क्या करना है आपको, इसे आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना, क्योंकि आपका लगभग लगभग हो चुका है मेरा। आपका कुछ और डाटा हो तो इसमें ऐड कर लिए, मेरा फिलहाल नहीं करने का है, तो मैं 600 एमबी पर ही बंद कर दूँ। आपका जितना भी एमबी का डाटा हो, मान लेते हैं एक ही मतलब 100 एमबी का भी डाटा हो, 2 या 3 का डाटा हो, आपको बंद कराना है सीडी को, राइटेबल कराना है, तो आप यहाँ से आराम से नेक्स्ट कर दीजिए। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट करने लग रहा हूँ। यहाँ पर आपको डिस्क नाम देना है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर डिस्क नेम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं चेंज करने वाला हूँ। सीधे इसे मैं अब बर्न करा लेता हूँ, सीडी को राइटेबल के लिए कर देता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से पॉपअप चलेगा आपका, एक पॉपअप इस प्रकार से चलेगा और सीडी ड्राइव में आपका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, रनिंग करना स्टार्ट हो जाएगा सीडी आपका, और इस प्रकार से आपका ये राइटेबल चालू हो चुका है सीडी का। और इसमें जितना भी आपने सॉफ्टवेयर या इमेज या डाटा कुछ भी आपने ऐड किया हो, वो बर्न होकर सीडी में राइट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, जितना पर जिस प्रकार से आप डाटा इसमें इंसर्ट करते हैं, 1 GB का है तो 1 GB में थोड़ा समय लगेगा, आपका 4 GB का है तो 4 GB में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। इस प्रकार से इसमें आपका जो डाटा को राइटेबल करने में सीडी ड्राइव समय लगाता है। तो आपको कोई भी ऐसा इशू हो, आपको ज़रूरत पड़ गया कोई सीडी ड्राइव राइटेबल करके सॉफ्टवेयर या किसी अदर चीज़ को आपको अच्छी तरह से रखना है, तो इसमें क्या होता है कि आपको डाटा मीट नहीं करना है। अगर सीडी ड्राइव का क्रैप होता है तो ही डाटा आपको खराब होता है। अगर आप इसे अच्छे से तरह से रखते हैं तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपका सीडी ड्राइव से डाटा डिलीट हो जाएगा। आपके आधा अपना कंप्लीट कर चुका है सीडी ड्राइव राइटेबल, और 46% अभी कंप्लीट इसका हो चुका है और अभी बाकी है, तो यह थोड़ा देर में ये भी अपना कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा अपना वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ जब 100% कंप्लीट इसका हो जाता है, अपना राइटेबल कंप्लीट कर लेता है सीडी। तो चलिए मैं वीडियो को भी फिलहाल पॉज कर दे रहा हूँ, उसके बाद 100 कंप्लीट करता है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा सीडी में राइटेबल मैंने जो किया है अपना डाटा, वो राइटेबल अच्छी तरह से हो गया या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये अपना 100% कंप्लीट राइटेबल सीडी ड्राइव अपना कर चुका है। थोड़े देर में सीडी जब ये राइटेबल कंप्लीट होगा तो आपको सीडी ड्राइव से सीडी को एग्जिट कर देगा, तो आप सिक्योर हो जाइएगा कि आपका सीडी राइटेबल पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए जब कंप्लीट होता है तो आपको सीडी ड्राइव आपको एग्जिट कर देगा, अपने जो सीडी इंसर्ट किया है सीडी ड्राइव में उसे। तो चलिए थोड़ा सा और वक्त लेगा, उसके बाद मेरा सीडी ड्राइव एग्जिट कर देता है। तो उसके बाद मैं आपको इंसर्ट कर दिखाता हूँ, देखिए मेरा सीडी ड्राइव बर्निंग कंप्लीटेड लिखा सक्सेसफुली हो चुका है। और चलिए मैं इसे ओके कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से सिंपली से मैं इसे कट कर लूँगा, नेक्स्ट करने के बाद कट नो। चलिए मैं अपना माई कंप्यूटर खोल लिया हूँ, यहाँ देखिए अभी सीडी ड्राइव नहीं शो करी है, तो चलिए मैं इसे इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद मैं देखता हूँ इसमें एडिट कर रहा है, एडिट करने के बाद ये खुलेगा, कितना MB डाटा इसमें राइटेबल हुआ है। तो चलिए देखिए मेरा सीडी ड्राइव ओपन हो चुका है, 636 MB ये राइटेबल अपना कर चुका है डाटा को। तो चलिए इसे ओपन करते हैं डबल क्लिक कर, देखिए जो मैंने इसमें डाला था डाटा वो राइटेबल हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, जो भी मैंने इसमें डाटा राइटेबल किया था वो अच्छी तरह से राइट हो चुका है। सॉफ्टवेयर मैंने इसमें राइटेबल किया था, सारा सॉफ्टवेयर मेरा राइटेबल अच्छी तरह से हो चुका है।
टोटल देख सकते हैं डाटा इसमें बिल्कुल इजी और सिक्योर तरीके से राइटेबल हो चुका है। अब इसमें मैं इसे डिलीट भी करना चाहूँ तो ये डिलीट नहीं होगी। चलिए मैं इसे डिलीट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए कोई डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, आप डिलीट नहीं कर सकते इसको। तो आप सिक्योर हो गए कि आपका कोई भी डाटा इसमें से अगर आपका डिलीट करना चाहेगा तो भी कमांड देने से डिलीट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका यह डाटा पूरा अच्छी तरह से सिक्योर हो चुका है सीडी ड्राइव में। पेन ड्राइव में क्या है कि आपका डाटा डिलीट भी हो सकती है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस प्रकार से अपना सीडी ड्राइव राइटेबल कर सकते हैं और अपना डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल यही था दोस्तों। ऐसे हम रिलेटेड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप अगर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।